क्या आपका मन भी करता है वर्ल्ड की सबसे फेमस कंट्री कनाडा जाने के लिए, जहां पर इस वीजा के लिए ना तो आपको आईएलटीएस लेना पड़ेगा, आप 10 दिन में मूव कर जाओगे इंडिया पाकिस्तान से, और यहां का LMI लेबर मार्केट प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, और यहां पर आपको एक पैसा पे नहीं करना पड़ेगा, और ये सारा पैसा आपका एम्प्लॉयर पे करेगा, और इवन कि आपको यहां पर सिटीजनशिप मिल जाएगी आफ्टर 1 ईयर, जिसको बोलते कनाडा एक्सप्रेस क्लास एक्सपीरियंस पर, और इवन कि आपके साथ आपका पार्टनर जा सकता है जो उसको ओपन वर्क पर मिलेगा, जो फर्स्ट डे वहां पर लाखों के नोट छापेगा, और जिसको बोलते हैं ग्लोबल टैलेंट वीजा। चलिए डिस्कस करते हैं आज इस वीजा को, जहां पर आप गरीब मां के बच्चे बच्चियां अपने सपना पूरा कर सकते हैं। वेलकम टू माई चैनल वंस अगेन, मेरा नाम है गैरी, आपका मेरे चैनल गैरी बैक को दिल से स्वागत जी। आज हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल टैलेंट वीज़ा, वो ये वीज़ा है जहां पर आप गरीब माँ के बच्चे यहां पर आ सकते हैं बगैर जॉब ऑफर के, बगैर LMI के, और आपको बहुत सारे फंड्स भी दिखाने, और इवन कि इसकी एप्लीकेशन प्रोसेस फीस भी आपका एम्प्लॉयर पे करेगा। 10 दिन के अंदर आप कनाडा जा सकते हैं। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे व्हाट इज ग्लोबल टैलेंट वीज़ा, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ए ग्लोबल टैलेंट वीज़ा, व्हाट इज द वीज़ा कॉस्ट, व्हाट इज द प्रोसेसिंग टाइम, टारगेट ऑक्यूपेशन कैटेगरी ए और कैटेगरी बी, कौन कौन से लोग जा सकते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिक्वायरमेंट ऑफ ए ग्लोबल टैलेंट वीजा, जॉब पोर्टल्स ऑफ ए ग्लोबल टैलेंट वीजा, हाउ कैन अप्लाई एंड हु कैन अप्लाई एंड हाउ कैन अप्लाई, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह आपने अप्लाई करना। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस वीडियो को जी। एक कनाडा एक ऐसी कंट्री है, जब मैं UK गया था मुझे सिटीजनशिप कनाडा ऑस्ट्रेलिया की मिल गई थी, लेकिन मैंने UK की PR के कारण कनाडा नहीं जा सका, और कनाडा मेरी 63 कंट्रीज में नहीं आती है। तो मेरा पूरा टारगेट 2023 में इसको ऐड करना अपनी ट्रैवल लिस्ट में, और आपके लिए अपना लाखों पैसा खर्च के कनाडा जाने पर, इसके लिए वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए, और बताइए आपके लिए कौन सी स्किल कनाडा के लिए जाकर कवर करो, और वहां पर जाकर आपके लिए कौन सी जॉब ढूंढू। जितना भी आप वीडियो को लाइक और कमेंट करोगे आप उतने मेरे दिल के करीब आओगे। चलिए डिस्कस करते हैं वो ग्लोबल टैलेंट वीजा क्या है। ग्लोबल टैलेंट वीजा वो वीजा है जो टेम्पररी वर्कर वीजा कनाडा का है, जहां पर एम्प्लॉयर डेस्परेट है एक लड़का इंडिया से लेकर आने के लिए। मानते वो लड़का रेस्टोरेंट मैनेजर है और उन्होंने नया रेस्टोरेंट खोला, उनको कोई लड़का नहीं मिल पा रहा है, विद इन 10 दिन वो इंडिया से इसको लेकर जा सकते हैं, उसको ग्लोबल टैलेंट वीजा। इसके लिए ना तो वो लड़के को इंग्लिश टेस्ट देना पड़ेगा, और सारा पैसा जो वीजा फीस है जो कॉस्ट है एप्लीकेशन की, वो सारा एम्प्लॉयर देगा, और उस लड़के LMI प्रोसेस बिल्कुल सिंपल था एम्प्लॉयर का, और उसको लॉन्ग वेट नहीं करनी, और एक साल का PR अप्लाई कर सकते हो। ये है ग्लोबल टैलेंट वीजा, जहां पर आपका एम्प्लॉयर आपको 10 दिन में कनाडा लेकर आ सकता है, क्योंकि इसका एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, और यहां पर बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आपका एम्प्लॉयर आपको गुड पेंशन देगा, और यहां पर आपको मॉर्गेज रेट अच्छा मिल सकता है, आगे अपना घर भी ले सकते हो। और कनाडा एक ब्यूटीफुल कंट्री है जिसकी आबादी नीली 3.5 करोड़ है, लेकिन हर पंजाबी लड़का पागल है कनाडा जाने के लिए, बिकॉज यहां का पेंशन सिस्टम, पुलिस सिस्टम और PR सिस्टम पूरे वर्ल्ड से ईजी है, और यहां पर जो कार लेना है बहुत ही चीपेस्ट है, और इसकी 12 स्टेट्स है, और ये जो कह सकते हैं कंट्री बहुत ही डेवलप कंट्री आती है, और इसके बॉर्डर में US से कुछ पार्ट ऑफ ग्रीनलैंड, कुछ पार्ट ऑफ फ्रांस के भी लगते हैं। तो गाइस आपने वीडियो को लाइक कमेंट करना अगर आप कुछ भी सीख रहे हैं। अब डिस्कस करते हैं कौन कौन से ऑक्यूपेशंस यहां पर टारगेट होते हैं। कैटेगरी ए कैटेगरी बी, कैटेगरी ए में आएंगे अगर आपको NOC कोड स्क्रीन पर दिखाया भी जा रहा है एम्प्लॉयर का कनाडा का, वहां पर 0 और A होते हैं। 0 में मैनेजर होते हैं, अगर आप किसी भी कंपनी के मैनेजर, वेयर हाउस मैनेजर, वेयर हाउस सुपरवाइजर हो, रेस्टोरेंट मैनेजर, रेस्टोरेंट सुपरवाइजर हो, आप टीम लीडर हो, या कोई भी तरह के आप प्लंबर हो, इलेक्ट्रिशियन, आप किस तरह इंजीनियर्स हो, आप लोगों को भी आप एलिजिबल हो ग्लोबल टैलेंट वीजा के लिए। और इन्होंने बनाया है एक कैटेगरी बी जो कि मेनली टेक्नीशियंस के लिए है, और जिनके कोड में बोलने जा रहा हूं आपके लिए एक एक कर 20012 है कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजर्स, 21300 सिविल इंजीनियर्स, 21310 इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, 21330 इंजीनियर्स, 21390 एरोस्पेस इंजीनियर्स, 21311 कंप्यूटर इंजीनियर्स, 21210 मैथमेटिक्स एंड साइंस स्टैटिस्टिक्स, 21211 डाटा साइंटिस्ट, 21220 साइबर सिक्योरिटी, 21221 इज बिजनेस सिस्टम, 2222 इज इंफॉर्मेशन सिस्टम स्पेशलिस्ट, एंड 2121 इज डाटा साइंटिस्ट, एंड 21223 इज डाटा बेस एनालिसिस, एंड 2123 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। ऐसे कंप्यूटर्स डेवलपर हैं, वेब डेवलपर, इलेक्ट्रिक इंजीनियर्स, इलेक्ट्रॉनिक है, 22 कंप्यूटर नेटवर्क हैं, IT टेक्नीशियंस हैं, प्रोड्यूसर टेक्निकल एक्टिविटी प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं। तो गाइज इसी तरह इनके बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग के लोग हैं, तो ये स्पेशल टेक्नीशियंस के लिए भी खोली गई कैटेगरी बी, और यहाँ पर अगर आपको एज लॉन्ग एज आपके पास जॉब है, आपका ऑक्यूपेशन एलिजिबल है ग्लोबल टैलेंट वी स्कीम के लिए, जहाँ पर आप 10 दिन में कनाडा चले जाओगे और आपका पार्टनर ओपन वर्क परमिट होगा, आपका
आपका पार्टनर कोई भी लेबर जॉब करे, प्रोफेशनल जॉब करे, ही और शी कैन वर्क फुल टाइम, और इसके इसका यही बेनिफिट है। अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं बेनिफिट ऑफ जीटी वर्क वीजा। वर्क वीजा की यहाँ की जो इसकी कॉस्ट जीरो है, आपका पार्टनर फर्स्ट डे आपसे जा, आपके बच्चे भी आप पर डिपेंडेंट होकर जा सकते हैं, और इसकी जो जो बेनिफिट ये है, इस पर आगे माँ बाप भी आपको टूरिस्ट वीजा पर विजिट कर सकते, भाई बहन भी आपके साथ जा सकते हैं, एक तरह से पूरा खानदान सेटल हो जाएगा और आपको पीआर भी मिल सकती है आफ्टर वन ईयर और जब आप यहाँ पर काम करते हैं। अब लोग के मन में कोई, इसकी जो वीजा कॉस्ट वैसे 1000 कैनेडियन डॉलर होती है जो आपका एम्प्लॉयर पे करेगा आपके ब्याह पर, आप कुछ भी पे नहीं करना है, और इसका प्रोसेस टाइम है वो 2 weeks 10 days है, जहाँ पर आप 10 दिन के अंदर ही आप कैनेडा मूव कर जाओगे। अब डिस्कस करते हैं जॉब पोर्टल्स कौन से हैं। जॉब पोर्टल सबसे पहले जॉब बैंक कैनेडा, जहाँ इस पर मैंने वीडियो बनाया भी हाउ टू फाइंड ए जॉब इन कैनेडा। जॉब बैंक कैनेडा का सबसे ज़्यादा लाइबल है, जहाँ पर बताया जाता है कि इन लोगों के पास LMI है, ये वेरीफाइड एम्प्लॉयर्स हैं, ये आपको ग्रीन मार्क के बच्चा बच्ची को इंडिया पाकिस्तान लेकर आना चाहते हैं। फिर मॉन्स्टर है, फिर लिंक्डइन है, फिर ग्लासडोर है, फिर आपके दोस्त जो कैनेडा रहते हैं वो है, फिर आप रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, और इन्होंने भी पिलट प्रोग्राम शुरू किया था ब्रंसविक में, उनके 6 एम्प्लॉयर्स हैं जो आपको कंपनीज हायर करते हैं इंडिया पाकिस्तान से, तो बहुत सारी एजेंसीज हैं जो आपको हायर कर लेगी, और जो इसकी रिक्वायरमेंट है इस ग्लोबल टैलेंट की, आपको एक जॉब ऑफर चाहिए इसके लिए, और जॉब ऑफर जो टॉप का CV और कवर लेटर जो मुझसे अच्छा मिला, बिकॉज मैंने 11 मल्टीनेशनल कंपनी UK में काम किया और मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, मुझे पता है कि कौन सा ये जो डेवलप कंट्री इनको चाहिए CV में जो आपको एंट्री स्टेज और जॉब ऑफर देगा, उसके लिए आपको टॉप का CV जो मुझसे बनाने के लिए आप मेरी इंस्टाग्राम ID और या WhatsApp पर आते हैं, जॉब ऑफर चाहिए आपको। और अगर आप आ रहे हो पार्ट वन से जहाँ पर आप मैनेजर हो, आपकी सैलरी 80,000 कैनेडियन डॉलर होनी चाहिए, और आपके जो अगर कैटेगरी B से आ रहे हो तो आपके जो टेक्नीशियंस हैं उसके लिए आपके वेजेस एज पर उनके कोड के अकॉर्डिंग होने चाहिए। तो गाइज यही रिक्वायरमेंट, बस आपका जॉब ऑफर चाहिए, बाकी आपको आपके वीज़ा टिकट चाहिए, अकोमोडेशन चाहिए कैनेडा में, आपकी मेडिकल इंश्योरेंस चाहिए, आधार कार्ड की कॉपी, पासपोर्ट, फोटोग्राफ और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ये तो बेसिक चीज़ चाहिए। बाकी आप किस तरह अप्लाई करोगे, आपका एम्प्लॉयर ऑनलाइन पोर्टल पर जाएगा, वो बोलेगा मुझे मिस्टर सिंह चाहिए, वो प्रूव करेगा, उसके पास LMI का बेनिफिट लेगा, उसके वो वर्क परमिट आपको इशू करेगा, और आप कैनेडा एम्बेसी में जाकर वीज़ा लेकर विद इन 10 days आप कैनेडा में काम कर सकते हैं। तो आपने डरना नहीं है, और कैनेडा एक ब्यूटीफुल कंट्री है जो हर पंजाबी हरियाणवी का सपना है, और कैनेडा की आबादी ओनली 4 crore है, पर ये सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में स्पेशल कंट्री है जो आपको बहुत इजीली वर्क वीज़ा देती है आफ्टर पुर्तगाल। पर गाइस बधाई हो जिन लोगों को UK का लॉटरी वर्क वीज़ा मिल गया है, एक तो ये भी लॉटरी वर्क वीज़ा है जहाँ पर आपकी लॉटरी है और आपका पार्टनर फुल टाइम काम कर सकता है, और इसके लिए आपको इंग्लिश टेस्ट भी नहीं देना है। तो वीडियो कैसा लगा, कोई स्किल की डिमांड कहना देखना चाहते हो या कोई जॉब ढूंढना चाहते हो मेरे, मैं आपके भी यहाँ पर ढूंढूँ, वीडियो कमेंट में कीजिए। कोई भी सपोर्ट चाहिए, पर गाइस कैनेडा वर्ल्ड की नंबर 2 कंट्री है जहाँ इमिग्रेंट को बहुत जल्दी PR मिल जाती है। ऑन द मीन टाइम गाइस आप जहाँ रहें सदा खुश रहें।